खड़ी हूँ और आज सरकार ने जो सीनियर सिटीजन को रेल किराए में छूट मिलती थी, सब्सिडी दी जाती थी उनकी रेल यात्रा पे, वो बंद कर दी है। पहले ये 2020 में कोरोना काल के टाइम में बंद किया गया था, उसके बाद अभी ये था कि उसके बाद ये बहाल किया जाएगा, लेकिन बहाल नहीं किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे सरकार पे बहुत ज्यादा घाटा पड़ रहा है, रेल मंत्रालय घाटे में जा रहा है, इसलिए ये छूट बंद की जा रही है। लेकिन अब सरकार हमेशा कोई भी चीज बंद करने की बात करती है तो हमेशा ये कहती है कि ये घाटे में जा रहा था, कभी कोई चीज बढ़ाने की बात करती है तो कह रही है कि ये घाटे में जा रहा है, जैसे अभी GST लगा दिया गया। तो अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन से भी यहाँ पर या यहाँ पर यात्रियों से कि क्या इस जो सीनियर सिटीजन के रेल यात्रा में छूट दी जा रही थी वो सही थी या जो बंद कर दी गई है ये सही है। अंकल अभी 60 साल होने पर रेल में यात्रा करने पे छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। पहले ये था कि कोविड की वजह से बंद की गई है, अभी वो बंद कर दी गई है क्योंकि रेल को घाटा हो रहा था। आप इस पर कुछ कहेंगे, चाहते हैं कि ये छूट बहाल की जाए? ये छूट बहाल होनी चाहिए, सरकार ने इसको गलत किया था, कोविड के वजह से इन्होंने कैंसिल किया था, अब कोविड समाप्त हो गया है इसलिए इनको पुनः सीनियर सिटीजन को छूट देनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि रेल मंत्रालय पे घाटा पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ पूंजीपतियों को जो टैक्स इन्होंने माफ किया है वो 4.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया। सरकार को घाटा हो रहा है तो पहले सांसदों का, विधायकों का जो आप प्रिविलेज देते हैं उनको रोकिए, जबकि वो बहुत अरबपति खरबपति हैं, उनको ये छूट क्यों दी जा रही है? रेल यात्रा करने पे छूट मिलती थी 40%, अभी वो छूट बंद कर दी है रेल मंत्रालय ने, कि इससे बहुत ज्यादा घाटा होता था रेल मंत्रालय को, इस पर आप कुछ कहेंगे? बुजुर्गों के लिए छूट होना चाहिए कुछ, भले ही 30% ही हो, 40 ना हो, 30%। महिलाओं के लिए 50% ही और छूट बरकरार रखनी चाहिए, और खिलाड़ियों के लिए भी बंद कर दिया है जबकि सांसदों और जो पूर्व सांसद थे उनकी जो छूट थी वो बरकरार है। वो चीज गलत है, उनके लिए छूट गलत है। मानेंगे कि जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग थे जिनको रेल किराए में छूट मिलती थी, महिलाओं को 58 साल पे और पुरुषों को 60 साल पे, अब वो छूट बंद कर दी गई है। खिलाड़ियों का भी जो किराए में छूट मिलती थी वो भी बंद कर दिया गया है। तो हम आपसे जानेंगे कि ये जो छूट सरकार ने बंद कर दी है 2020 में, क्या सही नहीं किया, गलत किया, सही नहीं हुआ? हाँ मिलनी चाहिए छूट, मिलनी चाहिए। वो बंद कर दी गई है तो बंद करनी तो समस्या अच्छा नहीं है, उसको चालू करना चाहिए ना। अच्छा, और जब बंद किया गया तो सही नहीं है, उसको चालू करना चाहिए। हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ही लोगों से जब बात की, राय जानी, तो बुजुर्गों से लेकर एंड तक ने यही अपनी राय दी कि जो किराए में उनको छूट मिलती थी वो छूट बहाल होनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि 60 साल तक उन्होंने देश की किसी ना किसी प्रकार से सेवा की है, और देश को फिर चाहिए कि जब बुढ़ापे में है, उनके इनकम के स्रोत कम हो गए हैं, आय कम हो गई है, तो ऐसे में सरकार को उनको रेल यात्रा करने पर छूट जो 40% की दी जा रही थी वो दे रही